press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आर्मी दोस्त में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टीए आर्मी में इस बार कितनी वैकेंसी निकलेगी, एक जोन में कितनी वैकेंसी निकलती है, ये भी हम आपको बताएंगे कि एक जोन के लिए कितनी वैकेंसी निकलती है, इस बार कितनी वैकेंसी निकलेगी। तो जोन फर्स्ट के लिए कितनी निकलने वाली है, सेकंड के लिए कितनी निकलने वाली है, थर्ड और फोर्थ के लिए कितनी वैकेंसी निकलने वाली है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो क्योंकि हमारे पास पूरी जानकारी पहुँच गई है, 2020-21 की वैकेंसी का न्यूज़ हमारे पास पूरा पहुँच गया है। आप सभी को बता दूं, हमारे पास नोटिस पहुंच गया है 2020-21 की वैकेंसी का। तो सभी जोन के लिए वैकेंसी निकल चुकी है, आप सब के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों, अगर इस बार अगर आप भर्ती नहीं हो पाते हो तो आगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जो भी जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं, पिछली बार की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको इस बार देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को देखते रहिए कि कितनी वैकेंसी निकली है एक जोन में और भर्तियां कब होंगी। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, भर्तियां बहुत ही जल्द आपके लिए नोटिस जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो हमने आपको नोटिस दिखाया है उसके बारे में एक न्यूज़ निकली है, वो भी हम आपको जल्द वीडियो में दे देंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो दोस्तों, जो हमने आपको चार्ट दिखाया था उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आ रही है। तो इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि एक जोन के लिए कितनी वैकेंसी निकलेगी और कितनी निकलती है। तो दोस्तों, पिछली बार की बात करें तो जोन फर्स्ट में काफ़ी वैकेंसी निकली थी, तो जोन सेकंड में बिल्कुल थोड़ी सी, और जोन थर्ड में तो निकली ही नहीं थी, लगभग एक भर्ती हुई थी। तो जोन थर्ड इतना बड़ा है तो क्या वैकेंसी निकली थी, थोड़ी सी वैकेंसी थी, उसको आप रहने ही दीजिए, क्योंकि लगभग 30-20 वैकेंसी निकली थी जोन थर्ड में, और जोन फोर्थ में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल गई थी पिछली बार। तो इस बार कितनी निकलेगी, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देख लेना है, क्योंकि अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं फर्स्ट जोन के लिए। तो पिछली बार तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों, इस बार काफ़ी ज़्यादा रिटायरमेंट हैं तो आपको वैकेंसी भी ज़्यादा ही देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, जो हमारे पास न्यूज पहुँच रही है कि फर्स्ट जोन में कितनी वैकेंसी का जो इस बार भर्ती होगा, तो जो हमारे पास न्यूज़ पहुंच रही है कि 300 प्लस आपको वैकेंसी दिख जाएगी। 300 प्लस मतलब 300 से ज़्यादा आपको वैकेंसी मिल जाएगी इस बार फर्स्ट जोन में। सेकंड जोन में 200 से लगभग 200 प्लस के पार, तो थर्ड जोन में भी 200 और फोर्थ जोन में भी 200 वैकेंसी। प्लस का मतलब होता है कि ज़्यादा इंक्रीज होगी आपकी वैकेंसी। फर्स्ट जोन में 300 350 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है। जो हमारे पास न्यूज़ पहुंच रही है कि 300 टारगेट रखा गया है 200 सेकंड जोन के लिए, 200 ऐसा टारगेट रखा गया है आपके लिए। हर बार जो भी आप देख लीजिए, पिछली बार देख लीजिए, सभी के लिए हमेशा जोन फर्स्ट के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है हमेशा। इस बार भी जोन फर्स्ट के लिए काफ़ी भर्तियाँ निकली हैं, और आपकी इसलिए आप सभी को बता दूं, इस बार ज़्यादा वैकेंसी निकली है, काफ़ी ज़्यादा रिटायरमेंट भी हैं। तो आप रनिंग कीजिए, मेहनत कीजिए कि आपका इस बार नंबर आ जाए, क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। एक जोन में लगभग 200 से ज़्यादा ही आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जो हमारे पास न्यूज पहुंची है। तो भर्तियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो आ रही है, तो चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।